भूतिया बगीचे में दो चुड़ैल बहनों का झूला। आज अमावस्या की रात थी। केशवपुर गांव के लोग अमावस्या की रात जंगल के पास वाले बगीचे से गुजरने में बेहद डरते थे। गांव के लोग कहते हैं कि ये कोई भूतिया बगीचे से ग्रस्त जगह है, जहां दो चुड़ैलों का साया है। इसलिए वो बगीचे वाले रास्ते के बाहर ही बोर्ड लगा देते हैं, जिससे गांव के आम लोग उस रास्ते से अमावस्या के दिन बचे। लेकिन अनजान अशोक साइकिल से आता उस बोर्ड को नजरअंदाज करता है और फिर वापस पड़ता है। ये जगह भूतिया जगह से ग्रसित है, कृपया यहां ना आए। क्यों ना आऊं, मैं तो यहीं आऊंगा। अशोक उस रास्ते पर चलता है, वहीं चुड़ैल अपने बगीचे में झूला झूल रही होती है। आज अमावस की रात है, यानी कि हमारी कोई तो शिकार आएगा। और अगर कोई नहीं आ रहा तो हमें बुलाना आता है। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, याद आई हो याद आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी। दोनों चुड़ैल झूले पर बैठकर उस गाने को जैसे ही गाती हैं, तो पास से गुजरता हुआ अशोक उस गाने से मोहित हो जाता है और हाथ हवा में उठाकर उनके पास पहुंच जाता है। तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ गया, झूला झुलाओ ना। झूला झूलेगा तू, झूला आ, जिंदगी से मौत तक का झूला झुला देती हूँ मैं तुझे। चुड़ैल उस आदमी को झूले पर बिठाती है, दो झोंके देती है कि तीसरे में उसके पीछे खड़े होकर गर्दन काट देती है और वो वहीं मर जाता है। आखिर इसकी मुंडी जब्त कर ही ली, चलो अब हम इसे अपने बगीचे में सजाकर बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, हमें अपने और ऐसे लोगों को आकर्षित करना होगा, तभी तो हमारा प्यारा सा बगीचा सुंदर बनेगा। हाँ बिल्कुल। अशोक के बाद वो हर अमावस की रात को अपने मधुर गाना सुनाकर ज्यादा आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उन्हें जान से मार दिया करती थी। उनके कटे सिर को अपने बगीचे में लगा लिया करती थी और इन लोगों की जब बिना स्तर के शरीर मिलता था तो उनके परिवार वाले बेचैन हो उठते थे। कोई तो मेरी मदद करो, अरे कोई तो उन गुनाहगार को ढूंढो जिसने मेरे पति को मार दिया और उसकी ये हालत कर दी। मेरे पति का चेहरा भी नहीं देख सकती मैं। भूलो मत कमला, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो गुनाहगार कोई और नहीं, वही दो चुड़ैले हैं जो भूतिया बगीचे में झूले पर झूलती रहती है। उन्होंने ही हमारे पतियों को मार दिया। मैं उन चुड़ैलों से मुकाबला नहीं कर सकती। अरे कोई है जो हमारी मदद कर सकता है क्या? आपने अपने पति की यूं ही बलि चढ़वाती रहोगी? ठीक है, तुम सब यूं ही तमाशा देखते रहना। आज हम दोनों ही वहां जाएंगे और उन चुड़ैलों का अंत करेंगी। तुम दोनों वहां मत जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। जानती हो ना गांव के कितने लोग उस जगह पर जाकर मर चुके हैं। तो क्या हुआ, हम भी मर जाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोनों औरत रात को उस बगीचे के पास मशाल लिए आ जाती है। बहन हम यहाँ पर पहुँच तो गए हैं, लेकिन आसपास बहुत घना अंधेरा है, मुझे तो वो दिखाई नहीं देती। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। कमला ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। हाँ चल, यही वो जगह होगी। दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो बगीचे के पेड़ पर दो झूले लटके होते हैं। झूला देखते ही जानकी और कमला का अपने मकसद से ध्यान भटक जाता है और वो झूला झूलने लगती है। अचानक से तीसरे चौथी बारी में उन दोनों के सामने दोनों चुड़ैल बहनें खड़ी हो जाती हैं और उनकी गर्दन पकड़कर झूले से उतार देती हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की हमारे झूले पर आकर झूलने की? इसका भुगतान तो अब तुम दोनों को करना होगा। बिल्कुल, हमें छोड़ दो, छोड़ो हमें। तुम ही हो ना जिसने हमारे पति को मारा है। क्यों मारा है, हमारे पतियों को बताओ। छोड़ो मेरा गला, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बताओ तुमने हमारे पतियों को क्यों मारा? वो मरने के लायक थे तो उन्हें मार दिया। हाँ और सिर्फ वही नहीं, इस गांव के हर इंसान को हम धीरे धीरे मार देंगे। फिलहाल अब तुम दोनों की बारी है, तुमने हमारे झूले पर बैठने की गुस्ताखी की है तो अंजाम भी भुगती जाओ। दोनों चुड़ैल उन दोनों गाँव की औरतों को भी मार देती है और उनके धड़ से अपना बगीचा सजा लेती है।
ऐसा ही कोई रात को उनके भूतिया बगीचे से गुजरता तो कभी झूला झूलने पर उन्हें मार दिया करती थी, तो कभी अमावस्या की रात पर अपनी आवाज से आकर्षित करके आदमियों को मार देती थी। ये सिलसिला काफी हद तक बढ़ गया और रेशमा का पोता युवान भी गाना सुनते हुए कानों में लीड लगाए खुशी से बगीचे के रास्ते से अपनी दादी के पास पहुंच जाता है। रेशमा बहुत डर जाती है। युवान मेरा बच्चा, तू इतनी रात को गांव में क्यों आया? तुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, तू कल सुबह ही यहाँ से चले जाना, यहाँ बहुत खतरा है। दादी आप क्या बात कर रही हैं? कौन सा खतरा है यहाँ? पहले बता तू कौन से रास्ते से आया है। अरे दादी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए शहर से यहाँ आ गया। वो बीच में जंगल के पास से बगीचे का रास्ता था ना, वहीं से आया हूँ। क्या तुझे उस जगह से नहीं आना चाहिए था? वो जगह बहुत खतरनाक थी, तू बच कैसे गया? तुझे रास्ते में कोई चुड़ैल झूला या कोई गाना वाना सुनाई नहीं दिया? दादी आप ये सब कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, मैं तो अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुनते हुए आया हूँ। शुक्र है मेरा पोता बच गया, वरना ना जाने क्या होता। दादी आपको मेरी कसम, बताइए ना क्या बात है, इस गाँव में क्या खतरा है? हो सकता है मैं उसे दूर कर दूँ। नहीं नहीं मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर तूने कसम दी है तो मैं बताती हूँ। दो चुड़ैल उस बगीचे के पास झूला झूलती हैं और वहाँ से आने जाने वाले हर आदमी को मार देती हैं। हमारे गांव में बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, अब तक पता नहीं ये सब कब रुकेगा। जल्दी रुक जाएगा दादी जल्दी। आप भूल गई हमारे जान पहचान के एक तांत्रिक बाबा है जिन्होंने बुआ के ऊपर से वो आत्मा निकाली थी, वही हमारी मदद करेंगे। देख बेटा ध्यान से, मैं तुझे नहीं खो सकती। दादी आप निश्चिंत रहो, कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन युवान तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो उस बगीचे वाली जगह पर तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं और दोनों चुड़ैल उसके कब्जे में आकर कैद हो जाती हैं। छोड़ मुझे तांत्रिक, तूने अच्छा नहीं किया, हमारी जगह पर आकर तूने हमें कैद किया, मरेगा तू देख मरेगा। और कुत्ते की मौत मरेगा, निकाल दे हमें यहाँ से बाहर। चुप, एकदम बिल्कुल चुप। कैदी की तरह जवाब दो, बताओ तुम मासूम लोगों को क्यों मारती हो? आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस बगीचा और झूले का क्या नाता है तुमसे? नहीं बताएंगे। नहीं बताएगी तो नतीजा आप देख। तांत्रिक के भस्म डालते ही दोनों चुड़ैल और कमजोर हो जाती है। बताते हैं, ये सब उस जमींदार और उसके बेटे की वजह से हो रहा है। 3 साल पहले वो जमींदार हरीश, उसकी नजर हमारे इस बगीचे पर थी और हमारे पास आकर कहता है, अरे रिद्धि सिद्धि बेटा, तुम्हारे माता पिता तो अब तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, इस बगीचे का तुम क्या करोगी? देखो मेरे पास शहर से एक प्रस्ताव आया है, तुम्हारे बगीचे के लिए वो तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे, क्योंकि यहां पर उन्हें मॉल बनाना है जो कि बहुत ज्यादा चलेगा, तो तुम्हें ये स्वीकार है? अंकल जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम ये जगह नहीं छोड़ सकते, ये हमारे माता पिता की याद और निशानी है। हाँ अंकल आप यहाँ से चले जाइए, ये जगह हम किसी को नहीं देंगे, लाखों में भी नहीं और करोड़ों में भी नहीं। देखो तुम दोनों बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, मान जाओ और इस बगीचे को मेरे नाम कर दो। आप जाते हैं या हम दरोगा को रिपोर्ट लिखवाएं आपके खिलाफ? तुम दोनों लड़कियों को ये अकड़ बहुत महंगी पड़ेगी देखना। उस जमींदार के जाने के बाद दोनों आंखों में आंसू लिए उस बगीचे के पेड़ के लगे झूले से लिपट जाती हैं और फिर उस पर झूला झूलने लगती हैं। रिद्धि जब भी हमें माँ पापा की याद आती है तो हम यहाँ पर आकर झूला झूलते हैं, यही तो बगीचा है जिससे हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और उनकी याद को कभी भी याद कर सकते हैं, हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। सिद्धि बिल्कुल ठीक कहा तूने, हमें ये किसी को नहीं देना है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, जमींदार का बेटा सूरज शहर से लौट आता है और अपने बेटे को उस बगीचे के बारे में सब कुछ बताता है। पिताजी आप फिकर मत कीजिए, बल से नहीं तो प्यार से सब कुछ हासिल हो सकता है, बस कुछ दिन रुक जाइए। ये बोलते ही सूरज बड़ी बहन रिद्धि के करीब बार बार जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, आखिरकार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन ये सब सूरज की चाल थी। वैसे आज मैं तुम्हें अपने हाथों से झूले पर झूला रहा हूं, सच बताओ मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे लिए कुछ भी करोगी ना? हाँ सूरज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस यही सुनना था, ये लो मेरे हाथ से बना आम पन्ना पी लो। जल्दी पी ले, इसके बाद तू अपने होश में नहीं होगी।
सूरज रिद्धि को वो नशीला आम पन्ना पिला देता है जिसे वो कागज पर साइन कर बगीचा उसके पिता के नाम कर देती है और फिर अगले दिन जमींदार उन दोनों बहनों को जलील करके वहां से निकाल देता है और जब वो नहीं मानती तो इस बगीचे के झूले से उन दोनों को फांसी देकर मार देता है। उस दिन उन गुनाहगारों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें धोखा दिया। हम दोनों बहनों को इन दोनों से बदला चाहिए और इस बदले के कारण गांव वालों को भी हम मार रहे थे। ठीक है, तुम दोनों को अपने गुनहगारों से बदला चाहिए ना, मैं तुम्हारा बदला पूरा करवाऊंगा। पर पहले वादा करो, तुम दोनों इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। बोलो। हम वादा करते हैं, हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। युवान, उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढो और लेकर आओ। जी। युवान और गांव के कुछ लोग उन दोनों को ढूंढकर तांत्रिक और चुड़ैल के पास ले आते हैं। आ गए तुम दोनों, तूने मेरी बहन को फंसाया, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और जमींदार, तूने मेरे साथ मेरी बहन को भी मार दिया, आखिर इसका क्या कसूर था? अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, आज हम दोनों बहनें अपने खून की प्यास बुझा कर रहेंगी। दोनों चुड़ैल उन दोनों गुनहगारों को मारकर अपना बदला पूरा करती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। साथ ही वो गांव वालों को अपना बगीचा देकर जाती हैं, जिसके बाद सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है।